पापा रोज सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए सबसे पहले तैयार होते थे, आज वही मेरे पापा घर से बाहर नहीं निकलते। बहुत बदनामी हुई है मेरी वजह से। ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है बेटा जी। मैं चाहता हूँ कि महक और एहसन की शादी हो जाए। जरूरत है उस बदनामी के टोकरे को अपने सर लेने की। निकाह हो जाने दो, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। भी मैं कितना भाग उठा के देखा, उसका यही हाल होगा। मैं सिर्फ मेरी है। कैसी तेरी गुदगर्जी। अच्छे नहीं लगते आप मुझे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। आपने मजबूर किया इसलिए मैं चली आई। बंद करो ये सब, तुम्हारे बाप की शादी हो रही है। बाबा महक, कहाँ थी बेटा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? आपका भरोसा जैसा लेके गई थी वैसे वापस लेकर आई। तुम फिक्र ना करो मेरा बच्चा, मैंने मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ। इस्माइल भाई, लगते तो बड़े शरीफ लोग ही। मियां कहां की शराफत, बेटियां अमीर जादों से चक्कर चला रही हैं, और फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चल बाबा, बाबा चल ना। कहां लेकर जा बाबा? अकरम कहां लेकर जा रहे मेरे बाबा को? अकरम बाबा, अरे अकरम, इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी, इन्हें छोड़ दें। सर मसला क्या है, क्यों लेके जा रहे, बताएं तो सही। सूर क्या है मेरे पापा का, बताएं तो सही, किया क्या उन्होंने? थाने आ जाओ, पता चल जाएगा कि क्या कसूर किया तुम्हारे पापा। चलो, अरे हमारी बात तो सुने पापा। अंदर जाओ, अंदर जाओ, तुम लोग लेके जाओ अंदर इनको बेटा, जाओ अंदर। मारा मारा अंदर, चलो चलो अंदर चलो। सर, सर प्लीज मेरी बात सुने, हम कब से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कुछ तो बताएं, मेरे बाबा को आपने क्यों बंद किया हुआ है? बेबी, बताया ना, जो सवाल जवाब करने हैं वो कल करना, चालान सुबह अदालत में पहुंच जाएगा। सर कम से कम ये तो बताएं, किस शिकायत के बिना पर आप यहाँ लेकर आए, मतलब कोई कसूर तो किया होगा ना? गबन का इल्जाम। गबन? गबन क्या? हाँ, गबन। किसका गबन सर? देखिए आपको कोई जरूर गलतफहमी हो रही है। बेटा, तू तो यहाँ से अब छुट्टी कर, वरना तेरी सारी गलतफहमियां निकाल दूंगा। सर प्लीज। प्रवेश। जी आया साहब जी। निकालो इनको बाहर, आउट। रे, बाहर आ जाओ।
आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो सर। चुप, निकलो यहाँ से। आउट, आउट। चलो, आ जाओ। चल। बाबा को घर से पेश शख्स वापस ला सकते हैं। कौन? हाँ। और वो आप जानती हैं कि कैसे? कहा था ना मैं कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहता उसके पास। चलो भाई तुम्हारी भाभी की कॉल आ रही है, तुम जाओ। ओके, मिलते हैं फिर। हेलो अभिषेक, फिर से कहो। वो मेरे बाबा पुलिस के पास है, आपने रेस कराया हमें, हार्ट पेशेंट है, उनके पास उनकी दवाइयाँ भी नहीं है, आप प्लीज किसी तरह उन्हें छुड़वा दें। नहीं ये नहीं, जो तुम पहले कह रही थी। बाबा ने, अरे बाबा नहीं, मेरा नाम लो। नाम? हाँ मेरा नाम शमशेर। फिर से कहो। देखिए मैंने आपका बताना क्या? अगर तुमने मेरे नाम के अलावा इस वक्त कुछ भी बोला तो तुम्हारा बाप सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। मेरा नाम लो। एक बार फिर से। थोड़ा प्यार से बोलो। सुबह होने से पहले तुम्हारे बाबा घर पहुंच जाएंगे। बैठो इधर। तुम अदालत में कल यही कहोगे कि तुमने इम्तियाज से 20 लाख लिए और वक्त पे वापस नहीं किए। सर मैं नहीं जानता किसी इम्तियाज को, और ना ही मैंने किसी से 20 लाख रुपए लिए। सर तुम वही कहोगे जो मैंने तुमसे कहा। सर मैं ये सर क्यों कर रहे हैं आप ये? मैं किस दार आदमी हूं सर? मैं बच्चों को पढ़ाता हूं सर, मैं उस्ताद हूं। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा। जी साहब जी। गुच्छे बर्फ की सिल मंगवाओ और डंडे को तेल लगवाओ। नहीं नहीं सर, इसकी शराफत निकालते हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं सर, प्लीज सर आप मेरी बात को। बैठो इधर। अरे भाई प्लीज, मैं जी जी कल अदालत में वही कहेगा जो आप कहेंगे। छोड़ दो सर। क्या मतलब सर? FIR कटी तो कोई बात नहीं, फाड़ दो FIR। प्लीज मुझे, मैं कुछ नहीं किया। पड़ जाएगी FIR से। मेरी बात कराओ जरा। हाँ करवाता हूँ। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। बात करो। रंगल कमाल करते, आपने बताया नहीं आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था।
लगता है मैंने इनसे कह दिया आपको घर तक बाइज्जत छोड़ के आएंगे। आइंदा भी कोई मसला हो ना तो मुझसे डिस्कस कर लिया करें। चल अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सोचिए परवेज़ साहब। अरे लॉटरी लग गई है आपकी तो। मैं सर छोटे साहब का आपकी लड़की पे दिल आ गया है। छोड़ के आते हैं आपको इज्जत के साथ। गुलशेर जी गाड़ी निकलवाओ। उनकी नजर में तो मैंने गबन किया है ना, लाखों रुपए का गबन किया है मैंने। मैं चोर हूँ, चोर हूँ मैं। नहीं अकरम कैसी बातें कर रहे, क्या हो गया आप? अच्छा यहाँ आके बैठे। तुम्हें पता है मेरा मेरा सबसे बड़ा कसूर क्या है? मेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं उस्ताद हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ा कसूर मैं हूँ जिसने बेटियां पैदा की है, जिसका दिल चाहेगा जब चाहेगा मेरी बेटी को उठा के ले जाएगा, जब दिल चाहेगा मुझे जेल में डलवा देगा, जब दिल चाहेगा मुझे पिटवाएगा। मुझे तुम लोग भी मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मुझे बर्फ के सिल पे लिटाओ, मेरी हड्डियां तोड़ो, मुझे गाली तो आती है ना, जो भी मुझे गालियां दो, मुझे गालियां दो, मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे मारते क्यों नहीं? मैंने बात की थी मगर क्या वो किसी और लड़की को पसंद करता। किसी लड़की को पसंद करता? किस लड़की को? किसी मामूली टीचर की बेटी है। मामूली टीचर? जी बाबा साहब, शमशेर के साथ किसी वीडियो में आई थी वही लड़की है। कैसा वीडियो? नहीं ऐसे कोई बात नहीं, वो खैर मैं बात करके ना समझा दूंगी, बच्चा है। मम्मी आप भले कोशिश कर लें, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट आसार अच्छे नहीं लगते। हमने कितना सुना है ना कि ये मामूली सड़क छाप लड़कियां जो हैं किस तरह रईस आदों को फंसाती हैं। नो क्लास, नो फैमिली, लोअर क्लास, सड़क छाप लड़की। इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये कोई उसका मामूल पे शौक नहीं है, हमारे खून और नस्ल की बात है। ये बात अच्छी तरह से समझा देते वरना फिर मुझे समझाना पड़ेगा। तबीयत कैसी है सुसर जी? अच्छी है। हाँ? अच्छी है। कुछ दिन मैं खुद नहीं आया, मुझे लगा दो चार दिन तो लग जाते होंगे आदमी को नॉर्मल होने में। लेकिन आपकी तबीयत से मुझे लग नहीं रहा है कि आप नॉर्मल हो गए। क्या हुआ है? क्या पिटाई ज्यादा की? इस जुर्म की सजा दे रहे हैं आपने, क्या बिगाड़ा क्या हमने आप?
कमाल करते हैं आप, निकी को तो जमाना ही नहीं रहा मतलब है। मुझे लगा आप खुश होंगे कि आप अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे शख्स को देने जा रहे हैं जो चुटकी बजाते ही आपके सारे मसले हल कर देगा। वो फिल्म देखी आपने अलादीन? अलादीन के पास एक जिन होता है, आप समझे मैं वो जिन। शादी के बाद आप जो कहेंगे सारे काम आपके हल हो जाएंगे, और क्या चाहिए आपको? बस कर, बस कर, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा, प्लीज प्लीज। आप समझ नहीं रहे हैं सुसर जी, महक तो मेरी हो चुकी, ये निकाह ये रुखसती ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप बाहर लोगों को मुंह दिखाने के काबिल रहें। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, रुखसती कर लीजिएगा खुशी खुशी। वरना उठा के ले जाऊंगा। Assalamu alaikum. Please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.